कक्षा 10 विषय हिंदी क्षितिज भाग सेकंड पाठ 15 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों पर प्रश्नोत्तर। लेखक है महावीर प्रसाद। लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म 1864 में ग्राम दौलतपुर जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। बाद में नौकरी से इस्तीफा देकर सन 1903 में प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का संपादन शुरू किया। तब 1920 तक उसे जुड़े रहे। सन 1938 में इनका देहांत हो गया। निबंध संग्रह रसज्ञ रंजन साहित्य शिखर साहित्य संदर्भ अद्भुत तलाब अन्य कृतियां संपत्ति शास्त्र महिला मोद आध्यात्मिक कविताएं द्विवेदी काव्य माला। प्रश्न नंबर 1 कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? उत्तर कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने अनेक तर्कों के द्वारा उनके विचारों का खंडन किया है। प्राचीन काल में भी स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। सीता शकुंतला रुक्मणी आदि महिलाएं इसका उदाहरण है। वेदों पुराणों में इसका प्रमाण भी मिलता है। प्राचीन युग में अनेक पदों की रचना भी स्त्री ने की है। यदि गृह क्लेश स्त्रियों की शिक्षा का ही परिणाम है तो मर्दों की शिक्षा पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि चोरी डकैती रिश्वत लेना हत्या जैसे दंडनीय अपराध भी मर्दों की शिक्षा का ही परिणाम है। जो लोग ये कहते हैं कि पुराने जमाने में स्त्रियां नहीं पढ़ती थी, वे या तो इतिहास से अनभिज्ञ है या फिर समाज के लोगों को धोखा देते हैं। अगर ऐसा था भी कि पुराने जमाने की स्त्रियों की शिक्षा पर रोक थी तो उस नियम को हमें तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये समाज की उन्नति में बाधक है। स्त्री शिक्षा के विरोधी द्विवेदी जी ने कई तर्क देके उनका समर्थन किया है कि प्राचीन काल में स्त्री शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। जैसे सीता शकुंतला रुक्मणी इसके उदाहरण है, ये सारी शिक्षित थी और अनेक पदों की रचनाएं भी उन्होंने की थी। अगर गृह कलह स्त्री शिक्षा का परिणाम है तो फिर मर्दों को शिक्षा क्यों देनी चाहिए? वो भी चोरी डकैती रिश्वत लेना हत्या करना जैसे दंडनीय अपराध करते थे। शिक्षा का ही तो परिणाम है। अगर वो शिक्षित नहीं होते तो उनको ऐसी चीजों की जानकारी नहीं होती। लोग कहते हैं कि पुराने जमाने स्त्रियां नहीं पढ़ती, या तो वे इतिहास से अनभिज्ञ यानी उनको कुछ पता नहीं है, या समाज के लोगों को धोखा देते हैं। अगर ऐसा था कि पुराने जमाने की स्त्रियों की शिक्षा पर रोक थी तो उस नियम को हमें तोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये समाज की उन्नति में बाधक है। ये ऐसे तर्क देकर के द्विवेदी ने स्त्री शिक्षा का समर्थन। प्रश्न 2 स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया? अपने शब्दों में लिखे। उत्तर द्विवेदी जी ने कुतर्कवादियों की स्त्री शिक्षा विरोधी दलीलों का जोरदार खंडन किया है। अनर्थ स्त्री द्वारा होते हैं तो पुरुष भी इसमें पीछे नहीं है। अतः पुरुषों के भी विद्यालय बंद कर दिए जाने चाहिए। यानी स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है तो फिर पुरुषों को शिक्षा क्यों दी जाए? दूसरा तर्क यह है कि शकुंतला का दुष्यंत को कुवचन कहना या अपने परित्याग पर सीता का राम के प्रति क्रोध दर्शाना उनकी शिक्षा का परिणाम न होकर उनकी स्वाभाविकता थी। तीसरा तर्क व्यंग्यपूर्ण तर्क है। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट, ऐसी दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को एपड रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते थे। यानी स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है, ऐसे वो लोग स्त्री शिक्षा विरोधी थे। वो सोचते थे कि सिर्फ पुरुष ही पढ़ने चाहिए, अगर स्त्री पढ़ लेगी तो वो अपना हक जताएगी और हरे कार्य में वो टांग रहेगी, तो लोग चाहते नहीं थे। दूसरा तर्क दिया है कि शकुंतला का दुष्यंत को कुवचन कहना, अपने परित्याग पर सीता का राम के प्रति क्रोध दर्शाना उनकी शिक्षा का परिणाम न होकर उनकी स्वाभाविकता है। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए भी पीयूष का गुण है, ऐसी दलीलें और उदाहरण के आधार पर लोग स्त्रियों को अकड़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3 द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग्य का सहारा लिया, जैसे ये सब पापी पढ़ने का अपराध है, न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। आप ऐसे अन्य अंशों को निबंध में से छांट कर समझिए और लिखिए। उत्तर स्त्री शिक्षा से संबंधित कुछ व्यंग्य जो द्विवेदी जी द्वारा दिए गए हैं,
स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकोट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट, ऐसी ही दलीलों और दृष्टांतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को ऐपड़ रखकर भारत वर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। स्त्रियों का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने का ही परिणाम है तो पुरुषों का किया हुआ अनर्थ भी उनकी विद्या और शिक्षा का ही परिणाम समझना चाहिए। आर्य पुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ गंधर्व विवाह करके मुकुर गए। नीति, न्याय, सदाचार और धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति है। अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्यान देते इसमें घंटू पांडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, मंडन मिश्र की सह धर्माचार्य ने शंकराचार्य के चक्के छुड़ा दे, गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सके। जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमार पारचरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे यदि एपट और गंवार थे तो हिंदी के प्रसिद्ध से भी प्रसिद्ध अखबार का संपादक को इस जमाने में एपट और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि वह अपने जमाने की प्रचलित भाषा में अखबार लिखता है। प्रश्न चार, पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके एपट होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पुराने जमाने के स्त्रियों द्वारा प्राकृत में बोलना उनके अपड होने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि बोलचाल की भाषा प्राकृत ही थी जिसे सुशिक्षितों द्वारा भी बोला जाता था। जिस तरह आज हिंदी जनसाधारण की भाषा है, यदि हिंदी बोलना और लिखना अपड और अशिक्षित होने का प्रमाण नहीं है तो उसमें प्राकृत बोलने वाले भी अनपढ़ या गंवार नहीं हो सकते। इसका एकमात्र कारण यही है कि प्राकृत उस समय की सर्वसाधारण की भाषा थी, अतः उस समय की स्त्रियों का प्राकृत भाषा में बोलना उनके एपड होने का सबूत नहीं है। इसमें बताया गया है कि पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा बोलना क्या एपड था? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, एपड की बात नहीं है। उसमें की जो प्रचलित भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, वो सर्वसाधारण की भाषा थी, तो स्त्री ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो सही किया है। जैसे हिंदी भाषी अपनी हिंदी बोलते हैं तो उसमें जो प्राकृत भाषा थी तो स्त्री वही बोलेगी, दूसरी भाषा कैसे बोले। प्रश्न नंबर पांच, परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हो, तर्कसहित उत्तर दीजिए। उत्तर, परंपराएं मानव जीवन को सुंदर और सुखमय बनाने के लिए होती है। प्रकृति ने मानव को स्त्री और पुरुष दो वर्गों में विभाजित किया है। सृष्टि में दोनों की समान भागीदारी है, प्रकृति की ओर से कोई भेदभाव नहीं किया गया। स्त्री हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही है। स्त्री पुरुष परस्पर मिलकर परिवार और समाज को बेहतर बना सकते हैं। इस कारण दोनों का प्रत्येक क्षेत्र में समान योगदान होता है। जहां तक परंपरा प्रश्न है, परंपराओं का स्वरूप पहले से ही बदल गया है, अतः परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष की समानता को बढ़ाते हैं। इसमें बताया गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों समान है, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रकृति ने स्त्री और पुरुष को जब बनाया है तो वो अपने परिवार को अच्छे से चला सके, अपना हर क्षेत्र में अच्छा सा योगदान दे सके, तो इसलिए परंपराओं का जो स्वरूप है पहले से बदल गया है, तो परंपरा की उन्हीं बातों को स्वीकार करो जिनसे स्त्री और पुरुष दोनों में समानता बढ़ सके। प्रश्न नंबर छह, तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पहले की शिक्षा प्रणाली और आज की शिक्षा प्रणाली में बहुत परिवर्तन आया है। तब की शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। पहले शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को गुरुकुल में रहना जरूरी था, परंतु आज शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय है। पहले शिक्षा एक वर्ग तक सीमित थी, लेकिन आज किसी भी जाति के तथा वर्ग के लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आज की शिक्षा प्रणाली में स्त्री पुरुषों की शिक्षा में अंतर नहीं किया जाता। पहले की शिक्षा में जहाँ जीवन मूल्यों की शिक्षा पर बल दिया जाता था, वहीं आज व्यावसायिक तथा व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया जाता है। गुरु परंपरा का भी लगभग समाप्ति हो चली है। पुराने समय की जो शिक्षा प्रणाली थी वो शिक्षा प्रणाली में आज की शिक्षा प्रणाली में बहुत परिवर्तन आ गया। उस समय की शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, क्योंकि लड़कों को तो पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज दिया जाता था, लेकिन लड़कियों को वहां नहीं भेजा जाता था, वहां विद्यालय नहीं थे। लेकिन आज शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं। पहले एक विशेष वर्ग को ही शिक्षा दी जाती थी, लेकिन आज स्त्री पुरुष कोई भी जाति के लोग हैं वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। पहले शिक्षा जीवन मूल्यों की शिक्षा पर बल दिया जाता था, आज की जो शिक्षा है व्यावसायिक और व्यवहारिक शिक्षा
वो दी जाती है। और गुरु परंपरा तो लगभग समाप्त होगी। आजकल इंटरनेट का जमाना है, लोग घर बैठे मोबाइल में टीवी में देख करके पूरा शिक्षा का ज्ञान वो घर बैठे भी ग्रहण कर सकते हैं। प्रसन्न मसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचय कैसे? उत्तर, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन में स्त्रियों की शिक्षा के प्रति अपने विचार प्रकट किए। उस समय समाज में स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध था। इस निबंध में द्विवेदी जी ने स्त्रियों के भी पढ़ने लिखने का जोरदार समर्थन किया है। स्त्री शिक्षा के विरोधियों के सभी कुतर्कों का उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में खंडन किया है। उन्होंने पुराने जमाने में स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध होने की मिथ्या धारणा का सह प्रमाण गलत सिद्ध किया है। स्त्री शिक्षा को अनर्थकारी बताने के कुतर्कों को भी उन्होंने अनुचित एवं गलत प्रमाणित किया है। साथ ही ये भी विचार प्रकट किया है कि स्त्री शिक्षा के उपरांत ही समाज की उन्नति संभव है। स्त्री को भी पुरुष के ही सम्मान अधिकार दिए जाने की बात को तर्कपूर्ण ढंग से सिद्ध करते हुए द्विवेदी जी ने इस निबंध में अपनी उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचय दिया है। द्विवेदी जी है वो स्त्री शिक्षा के समर्थक, और जो स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध था उनके विरोध में बहुत से तर्क दिए और लड़कियों को पढ़ाने लिखाने पर जोरदार समर्थन किया है। और स्त्री शिक्षा के विरोधियों का भी उन्होंने बड़े ही अच्छे शब्दों में कुतर्क दे करके कुतर्कों का खंडन किया है। पुराने जमाने में स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध होने की जो मिथ्या धारणा थी, गलत धारणा थी, उसको भी सह प्रमाण गलत सिद्ध किया है। स्त्री शिक्षा को अनर्थकारी बताने का जो कुतर्क थे उन्होंने अनुचित और गलत प्रमाणित किया है। साथ ही ये भी बताया है कि स्त्री शिक्षा के उपरांत ही अपने समाज की उन्नति संभव है, तो स्त्री को भी पुरुष के समान पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। प्रसन्न महाराज द्विवेदी जी की भाषा शैली पर एक अनुच्छेद लिखे। उत्तर, द्विवेदी जी ने अपने निबंध में विषयानुरूप गंभीर सरस एवं प्रहमयी भाषा का प्रयोग किया है। विचारपूर्ण निबंध होने के कारण इसमें उदाहरण व्यंग्य एवं सामासिक शैली का प्रयोग किया गया है। इन्होंने व्याकरण तथा वर्तनी की अशुद्धियों पर विशेष ध्यान दिया। इन्होंने अपने निबंध में संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों के साथ साथ देशज तद्भव तथा उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है। प्रसन्नो, निम्नलिखित अनेकार्थ शब्दों को ऐसे वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए जिनमें उनके एकाधिक अर्थ स्पष्ट हो। चाल, दल, पत्र, हरा, पर, फल, कुल, ऐसे शब्द इनके दो दो अर्थ स्पष्ट हो सके। जैसे चाल, राधा को पुरस्कार देना उसकी चाल है यानी चालाकी है। अपनी चाल को तेज करो, यहाँ चाल का अर्थ चलना है। दल, उस दल का नेता बहुत अच्छे स्वभाव वाला है, यहाँ दल का अर्थ टोली है। फूल का दल बहुत कोमल है, यहाँ दल का अर्थ पंखुड़िया है। पत्र, मैंने अपने भाई को एक चिट्ठी लिखी, यहाँ चिट्ठी का साधारण अर्थ पत्र है और पहले भूत पत्र लिखा जाता था, यहाँ पत्र का अर्थ है पत्ती। तो एक एक शब्द के दो दो अर्थ हो रहे हैं। हरा, पत्तों का रंग हरा होता है, यहाँ हरे का अर्थ रंग से है। इतनी गर्मी होने के बाद भी तालाब का पानी अभी भी हरा भरा है, यहाँ हरा का अर्थ ताजा। पर, तुमने उस पक्षी के पर क्यों काट दिए, यहाँ पर का अर्थ है पंख। तुम उसे नहीं जानते पर मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, यहाँ पर का अर्थ है लेकिन। फल, इस पेड़ के फल बहुत मीठे हैं, यहाँ फल खाने वाला है। उसके कार्य का फल बहुत बुरा था, यहाँ फल का अर्थ परिणाम है। कुल, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता, यहाँ कुल का अर्थ है वंश। हमारे देश की कुल आबादी कितनी होगी, यहाँ कुल का अर्थ है पूरा।